राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी भी मैं हूँ यहीं भाभी और भैया के पास। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो अभी बच्चे, हस्बैंड, पापा, मम्मी सभी खा रहे हैं खाना और भैया भाभी गए हैं शॉपिंग के लिए। तो हमने सोचा कि चलो हम खाना खा लेते हैं, वो शॉपिंग करने के लिए गए हैं। तो फिर चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोगों से बात कर लेते हैं, इतने यहाँ पर हैं। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। तो अभी भैया हमारे लिए लेकर आए हैं छोले कुलचे, तो हम छोले कुलचे खा रहे हैं। तो देखिए, जब मैं यहाँ आती हूँ, ये नहीं है कि मैं बड़ाई मार रही हूँ, जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरे भैया, मेरे भाभी मेरे लिए जो मैं बोलती हूँ वही ला कर देते हैं। जो मैं भैया पूछते हैं कि पूछ लेना कि ज्योति क्या खाएगी, भैया को पता है कि उनकी बहन जब भी आती है उसकी अलग अलग फरमाइश होती है। भाभी को भी पता है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो कभी कुछ खाती हूँ, नए नए आइटम खाती हूँ, भैया मेरे लिए ऑलरेडी लेकर आते हैं। भाभी बोल देती है पहले ही भैया को कि दीदी आई हुई है, आपको पता है उन्हें मोमो, छोले कुलचे, भटूरे वगैरह ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो भैया मेरे लिए लेकर आए हैं छोले कुलचे, सभी हम सभी के लिए। तो पापा और बच्चे उधर खा रहे हैं और मैंने अभी नहीं खाए हैं, तो मैं अभी भी खाना खा। मन लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा, पर जाना तो पड़ेगा ही। काफ़ी मन लग रहा है यहाँ आकर, ऐसा लगता है कि बहुत खुला खुला महसूस होता है। आप लोग कहते हो कि दीदी आप इतने सिंपल रहते हो, तो आप तो नहीं बोलोगे कि मैं सिंपल हूँ। और तो देखिए अलग ही दिखाई दे रही हूँ कि सिंपल नहीं दिखाई दे रही, अच्छी लगूँ मैं, अच्छी लगूँ तो बताइएगा जरूर कैसी लग रही हूँ मैं यहाँ। तो चलिए अभी खाना खा लेती हूँ मैं, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। मैंने एक भी मिले चना दरी खाए रहो। आई 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 आ, मारा थोड़ा सा किचन तो होगा साफ, थोड़ा सा किचन ठीक है। अरे भाई जी, मैंने मना कर रखा। हाँ, कायर का भी बहुत मन लग रहा है मेरे, कायर बाबू का जी लग रहा है आपका। हाँ, ये इस बात का सबूत है, कायर का भी मन लग रहा है। मम्मा क्या क्या, हाँ जी लग रहा है। मम्मा क्या क्या मजे आ ले पूले। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो आइए हम लोग खा रहे हैं खाना, आप लोग भी खा लीजिए छोले कुलचे। अभी हमारा खाना पीना तो हो गया है, तो अभी मैंने थोड़ा किचन भी कर दिया है साफ। तो आप लोग कमेंट कर रहे हो कि किचन में प्रिया जी कहाँ है, वो क्यों नहीं दिख रही, आप ही कर रहे हो। तो देखिए वो तो रोज ही करती है, मैंने सोचा आज थोड़ी हेल्प करा देती हूँ भाभी की। तो कुछ नहीं जाता है काम करने में किसी का, मेरा ही क्या किसी का भी नहीं जाता है। तो देखिए अभी यहाँ पर भी मुझ पे इतना साफ तो नहीं होगा जितना भाभी करती है, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत साफ कर दिया है किचन। और अभी थोड़े से बर्तन हैं जो मुझे साफ करने हैं, और बाहर रखे हुए कुछ फ्रूट्स उन्हें भी मैं रिता देती हूँ जो भी भैया लेकर आए थे। और भैया भाभी गए हैं मार्केट, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुके हूँ। तो चलिए फल बास्केट में डाल लेते हैं। तो चलिए मैंने फ्रूट्स भी निकाल दिए हैं और बास्केट में डाल दिए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, इन्हें यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए बच्चे लगे हुए हैं अपने खेल में। हेलो बच्चों, हेलो, हाय, क्या खेल रहे हो? हाँ, मम्मी मम्मी खेल रहे हैं घर। ये देखिए पाखी ने भी चुन्नी ओढ़ कर रखी है, और अवनी को देखिए, और उधर रुका है। तो तीनों बच्चे लगे हुए हैं अपनी मस्ती में खेलने में। तो मेरा तो इतना ज़्यादा मन लग रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं चली जाऊँ फिर से, वही बात, बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। अभी आ चुके हैं और मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। तो वो बाजार गए हुए थे, वो आ चुके हैं, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, उनके लिए क्या सभी के लिए बना रही हूँ। पहले भैया भाभी के लिए बना देती हूँ।
तो अभी हम सब भी चाय पी लेंगे, शाम का समय हो रहा है। तो मैंने पानी तो रख दिया है इसमें। तो अभी यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी, तो मैंने सोचा कि भैया भाभी के लिए बना दूंगी पहले, फिर भाभी बोलने लगी कि अभी सबकी एक साथ ही बना दो। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और अभी मैंने इसमें चीनी पत्ती भी डाल दी है और अदरक भी डाल दिया है। और देखिए मेरी चाय में आ चुका है उबाल और इसमें मैंने डाल दिया है दूध। तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ सभी की बना देते हैं। तो अभी हम सभी जने चाय पी लेंगे। तीसरे पैर का समय हो चुका है। देखिए गांव वाली आदत है, जैसे गांव में तीसरे पैर चाय पीते हैं वैसे ही यहीं ऐसे ही पी जाएगी, यहाँ भी आदत हो रही है। तो अभी चाय बन चुकी थी और हम लोगों ने पी ली थी, भाभी की रह रही थी। तो अभी यहाँ पर भाभी आ चुकी थी मार्केट से, और जो भाभी को तो भाभी यहाँ पर बैठकर गिफ्ट खोल रही थी, तो हम सारे भाभी के ही पास बैठे हुए थे। देखिए जब काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और जहाँ भाभी रहती है वहीं हम पीछे 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 साथ साथ रहते हैं। बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत मन लग रहा था। तो इधर खड़े हुए थे मम्मी और भैया, तो हम सारे जने आपस में बातें कर रहे थे। अच्छी लग रही है। मंदिर में रखी जाके मंदिर में बैठी। चुके हैं तैयार और हम जा रहे हैं घर। तो भाभी ने नहीं रखा, कह रही है जाओ बस बहुत आगे निकल, देख लो क्या कह रही है। चार दिन हो लिए यहाँ, निकल लो, निकल लो, चलो अपना भी काम धंधा करना चाहिए ना, घर में आबिरान करा करते अपना। देख लो कह रही है जाओ चलो निकलो, चार दिन हो गया अब यही रह जाओगे। तो भाभी तो बोल रही थी रहने के लिए, पर आप लोग समझ सकते हो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं है। बस अभी दो तीन दिन रह लिए, काफ़ी मन लगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर वापस, अपने ससुराल, और मम्मी पापा चले जाएंगे घर। तो फिर चलते हैं, सोचा था एक दो दिन रहेंगे पर छुट्टी नहीं है बच्चों की, तो देखते हैं छुट्टियों में आएंगे, और अभी इतना टाइम भी नहीं है। तो छोटी लगाऊंगे, सो रहा है ये, सो रहा है इनका बच्चा, सो रहा है, कहाँ का सो है सो जाए एकदम। हम लोग चल दिए हैं, बाय पाखी, बाय, चलो तुम के जा रहे हो, तुम तो बाय कर रहे। तो अभी हम लोग चल दिए हैं घर के लिए। ये देखो मम्मी और भाभी का प्यार, लक्ष्मी की एक किस्म जब से लोग लक्ष्मी की कीमत समझते हैं, ये रियल की बात है। ये ठीक है मम्मी, दीदी तो अब हम जा रहे हैं घर। तो कोशिश करूँगी कि आपके साथ रास्ते का कुछ सेल फ्रूट शूट कर सक, तो आती दफ़े तो नहीं कर पाई। तो अभी हम चल दिए हैं घर के लिए। अभी हम लोग मेरठ पहुंच चुके थे, तो यहाँ पर हम बस में बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आती बार तो मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी, तो अभी जाते हुए थोड़ी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके थे मेरठ छावनी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी बजे हैं करीबन 2, काफ़ी टाइम लग गया रास्ते में आने में।
और शाम ही हो जाएगी घर तक जाने में हमें। तो अभी हम खतौली पहुंच चुके थे और यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके थे घर के लिए और मम्मी पापा भी निकल गए थे। तो शाम का समय होता जा रहा था, सर्दी बढ़ती जा रही थी, बाइक पर भी वैसे तो आप लोग समझ सकते हो काफ़ी हवा लगती है, तो बहुत हवा लग रही थी। बच्चों का साथ था तो बस हम यही सोच रहे थे कि टाइम से घर पहुंच जाए, फिर भी रास्ते में काफ़ी थोड़ा सा जाम मिला तो इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए हैं। तो अभी बस बच्चों की ही चिंता थी, बाइक पर हवा लग रही थी और समय निकलता जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो जब जा ही रहे हैं तो थोड़ा नहर के पास का शूट कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लगता है, ये तो बहुत छोटी सी जाल है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा यहाँ का भी शूट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे रास्ते से निकल रहे थे तो मैंने थोड़ा वीडियो बना लिया, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। मगर नहर, ये नहर जा रही है और देखिए इधर से निकला हुआ है, नहर से ही रजवाया निकल रहा है पीछे, जो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। गहरी नहर है और काफ़ी बड़ी है, तो इधर से भी उधर से भी तीनों चार साइड से इस तरह से फैली हुई है, तो कितना अच्छा लग रहा है पानी इस तरह से, यहाँ पानी निकल रहा है। तो हम लोग इसी रास्ते से होकर निकल जाते हैं, थोड़ा जल्दी पड़ जाता है और आसान भी पड़ जाता है, हमें इतना लंबा फेर नहीं पड़ता है तो जल्दी से घर पहुँच जाते हैं। बस शॉर्टकट रास्ता ले लिया था हमने टाइम कम होने की वजह से। चुकी थी तो मुझे करीबन 2 घंटे हो गए हैं, 2-2.5 घंटे हो गए हैं घर आए हुए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। सर में भी बहुत ही दर्द हो रहा है, थक गई हूँ। देखिए मेरे पूरे घर की क्या हालत हो रही है, यहाँ पर रखे हुए बैग जो अनपैक है मुझे भी नहीं, वो मुझे खोलने हैं, सॉरी। कपड़े चेंज करते हुए वैसे ही पड़े हुए हैं पीछे भी, क्योंकि अब शाम का समय हो चुका है, मैं बना रही हूँ पहले खाना। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बता देती हूँ कि मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा मन लग रहा था वहाँ पर, अब बड़े उदासी सी हो रही है, बहुत याद आ रही है सबकी, बहुत मिस कर रही हूँ सबको। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं घर आ गई हूँ। और भाभी ने इतनी सारी शॉपिंग की है मेरे लिए, इतनी सारी चीज़ें दिलाई है मुझे, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज मैं इस वीडियो कहीं पर एंड कर रही हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कितनी सारी शॉपिंग की है भाभी ने हम सब के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे भैया भाभी मिले हैं, इतना प्यार करती हैं, क्या दिया है मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बता देते हैं कि हम घर आ गए हैं और इस वीडियो का मैं यहीं पर करती हूँ एंड और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।